चले बच्चा बड़ा, तो फिर आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ स्प्रे पाइप हैज अ सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ रेडियस आर, इट हैज एन स्मॉल होल्स ऑफ रेडियस आर एट वन एंड, द लिक्विड फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स विथ वेलोसिटी वी, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल्स इज। क्या कहा है उन्होंने? ये रहा सिलिंड्रिकल पाइप। अब ये सिलिंड्रिकल पाइप है, उसके एंड पे बहुत सारे छोटे 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 क्या है, स्मॉल टाइनी होल्स है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एक बड़ा सा होल दिखेगा जो कि है एक्चुअली छोटा ही, जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। और ये जो बड़ा वाला होल है उसका रेडियस क्या है, आर। और यहाँ से जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उसका वेलोसिटी है वी। और उन्होंने पूछा है कि ये जो छोटे छोटे होल्स है जिसके अंदर से पानी बाहर निकलेगा, उस पानी का वेलोसिटी कितना होगा, तो उसको मैं ले लेता हूँ वी डैश। ये हमें फाइंड करना है। देखो एरिया दिया हुआ है, ये रहा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ए वन, यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए टू ले लेता हूँ, बराबर। तो बाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग बोल सकते हैं ए वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो देयरफॉर ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू। ए वन की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, वी की जगह पे वी वन की जगह पे वी आ जाएगा, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल क्रॉस सेक्शनल एरियाज, जो स्मॉल स्मॉल है वो कितने हैं सर, एन नंबर्स ऑफ है, और उसका एरिया कितना आएगा, तो पाई है तो सर्कल ही, तो पाई स्मॉल आर द होल स्क्वायर इंटू वी टू तो हमको चाहिए, जिसको मैंने वी डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, बराबर। क्या क्या कैंसिल हो गया, पाई पाई कैंसिल हो गया, तो वी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी आर स्क्वायर अपॉन एन आर स्क्वायर। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर, विच ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रेन्स ड्रॉप फॉलिंग थ्रू एयर हैव रेडियाई रेडियस इन द रेशियो 1:2, दे विल हैव टर्मिनल वेलोसिटी इन द रेशियो। टर्मिनल वेलोसिटी उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा गया है, और उसके लिए उन्होंने हमें रेडियस का रिलेशन दिया हुआ है। रेडियस का रिलेशन दिया है आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल टू वन अपॉन टू, बराबर। और हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू हाउ मच। चले टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू टू बाई नाइन आर स्क्वायर जी इंटू रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा। याद रखना रहेगा क्या है फॉर्मूला, वी इज इक्वल टू टू बाई नाइन आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा बाई ईटा, वेर यहां से हमें पता चलता है वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी टू इज इक्वल टू आर वन अपॉन आर टू द होल स्क्वायर। आर वन अपॉन आर टू हमें दिया हुआ है 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1/4। सो दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। लेट्स चेक द ऑप्शंस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ मर्क्यूरी ईच ऑफ रेडियस आर कोलेस टू फॉर्म, अब दोनों मिलके एक बड़ा सा लार्ज सिंगल ड्रॉप जनरेट कर रहे हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जीज बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस, बिफोर एंड आफ्टर द चेंजेस, यानी कि मैं बोलूं कि पहले जो सरफेस एनर्जी थी उसको हमने दे दिया बिफोर ई वन, और बाद में जो हरी है वो है ई टू। ई वन अपन ई टू हमें पूछा गया है, और सरफेस एनर्जी क्या होता है सर, सरफेस एनर्जी होता है वो सरफेस टेंशन, मतलब ना सरफेस एरिया होता है उसके बराबर होता है, डिपेंड्स। चलिए सो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि वी दोनों का जो छोटे 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 मर्की ज्यादा नहीं है, आई एम सॉरी, दो ही मर्क्यूरी ड्रॉप, ये फर्स्ट हो गया ये सेकंड हो गया, और दोनों मिला के एक बड़ा सा मर्क्यूरी ड्रॉप बन रहा है, और ये रहा बड़ा वाला, बराबर। इसका रेडियस है लेट्स से स्मॉल आर, इसका रेडियस तो हमें दिया हुआ है कैपिटल आर, बराबर, इसका रेडियस भी कैपिटल आर, बराबर। सो दोनों मिलके एक साथ में कंबाइन हो रहे, यानी कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ये दोनों को मिला के इन दोनों का वॉल्यूम जो है, तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। जब भी ऐसे कुछ मिलती है या रुकती है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, सो मैं बोल सकता हूँ पहले वाले का वॉल्यूम वी वन प्लस दूसरे वाले का वॉल्यूम वी टू, आई एम सॉरी प्लस नहीं, इज इक्वल टू वी टू। सो वी वन में दोनों जो छोटे छोटे ड्रॉप्स है उन दोनों का वॉल्यूम आया, इसलिए मैं 2 × 2 लिख देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, जो बड़ा वाला है उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब,
4 बाई 3 पाई कैंसिल हो गया एंड यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा 2 रेस टू 1 बाई 3 इंटू कैपिटल आर। तो मैंने क्या किया, टेकिंग क्यूब रूट किया, दोनों तरफ क्यूब रूट लिया तो मुझे ये आंसर मिला। ठीक है नाउ अब यहाँ से मैं कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर अगर फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रेस टू 1 बाई 3 एज इट इज, रहने दो इसको। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द एनर्जी। एनर्जी सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे E1 इज इक्वल टू, E इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं N इंटू S, बराबर सरफेस एरिया। सो E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, E1 इज इक्वल टू आ जाएगा, पहले कितने थे 2, तो इसलिए N की जगह पे 2 और S की जगह पे आ जाएगा सरफेस एरिया। एरिया कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, अब कितना है सिर्फ एक ही है, उसके लिए सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो E1 बाई E2 इज इक्वल टू 4 पाई 4 पाई कैंसल, 2 बच जाएगा और R बाई स्मॉल R द होल स्क्वायर जो ऑलरेडी हमको पता है, हमने बोला है 1 अपॉन 2 रेज टू 1 बाई 3 द होल स्क्वायर। अब ये जो स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा तो 2 रेज टू अपॉन 2 रेज टू 2 बाई 3 हो जाएगा। इस 2 बाई 3 को मैं ऊपर ले लेता हूँ, 2 रेज टू 1 तो ऑलरेडी है और नीचे से जब ऊपर आएगा तो 2 रेज टू -2 बाई 3 हो जाएगा। लॉ ऑफ इंडेक्सेस क्या कहता है कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे -2 बाई 3 हो जाएगा और अगर माइनस करें तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो 2 रेज टू 1 बाई 3 मिल जाएगा। सो ऑप्शन 2 रेज टू 1 बाई 3 इज टू 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। अ वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज जेंटली प्लेस हॉरिजॉन्टली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर हैविंग द सरफेस टेंशन ऑफ 75 × 10³ न्यूटन पर मीटर। व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल अप द वायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है अब देखो ऐसे समझ रहे हैं ना, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसके अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूर दे। सर क्यों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इसमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया तो आपका आंसर रॉन्ग होने की चांसेस है, बताता हूँ कैसे। देखिए ये बना दिया मैंने छोटा सा वायर और ये वायर को हमने रखा हुआ है पानी में, टेक्नोलॉजी है तो उसका थोड़ा सा फायदा भी उठा लेते हैं। ये बन गया वाटर। अब वाटर के अंदर हम क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे जेंटली एक छोटा सा क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे हमें वायर रखना है बराबर, तो ये रख दिया उसके ऊपर वायर। वो ऐसा भी होता है क्या, ठीक है चलिए हमारी कोशिश ना कामयाब रही बट फिर भी हम पढ़ सकते हैं। ये रहा वायर और ये रहा वाटर जिसमें आपने वायर को रखा है बराबर। नाउ अब ये जो वायर है उसका लेंथ उन्होंने दिया हुआ है ये रहा 10 सेंटीमीटर, लेट्स मैं उसको एल कंसिडर करता हूँ बराबर। नाउ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, सरफेस टेंशन P इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ बराबर। यहां तक सब कुछ ठीक है बट अभी हमें F फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो F इज इक्वल टू 2 × T × L आ जाएगा बराबर। यहां तक तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, T भी तो दिया हुआ है, L भी तो दिया है, सब्स्टिट्यूट करने का आंसर। बट पॉज, यहां पे जो वायर है अगर उसको मैं डायमीटर की मतलब बोले ना ऐसा एक तरफ से देखूं, अगर मैं उसको एक तरफ से देखूं तो आप जरा देखिए, ये देखिए ये रहा वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब ये वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के आसपास ये देखिए, ये देखिए ये पानी है, अब वायर को
हमें लगता है कि सिर्फ एक ही टेंशन लग रहा है, बट एक्चुअली में ये वाला एरिया एंड दिस वन, ये दोनों तरफ से वायर के ऊपर टेंशन, सरफेस टेंशन लगता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं, यानी कि इधर भी लगेगा एंड इस तरफ से भी लगेगा, दोनों तरफ से लगेगा सरफेस टेंशन, इसीलिए ये 2 नहीं होगा, ये होगा 2T होगा, समझ में आया? क्योंकि यहां से लेके यहां तक एक लेंथ तक, और ये रहा इस तरफ का दूसरा लेंथ, जहां पे वायर का कांटेक्ट किसके साथ में है, वाटर के साथ में, अब समझा? ठीक है ना, बस इतना हो गया, तो बस अपना काम हो गया। 2 × 10 सरफेस टेंशन कितना दिया है, 75 × 10³, एंड लेंथ हमें दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर चलेगा नहीं, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, 10^-2 कर देंगे, विच इज इक्वल टू 75 × 2, विच इज नंबर 150 × 10^3, 10^4 एंड 10^-3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10^5 हो जाएगा, ओके 4 हो जाएगा एंड -2 हो जाएगा, करेक्ट, बराबर 10^-2। अब ये 10^-2 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1.5, बराबर ना, 10^-2 वहां पे है, तो ये हो जाएगा 1.5 न्यूटन, हमारा तो 1.5 ही न्यूटन आ रहा है। ना ना ना। 10^-2 दिया हुआ है, ओके, यहाँ पे है ना, ये 10^-2 ये माइनस में रहेगा, इतना टेंशन कैसे लगेगा, समझ में आया क्या? छोटा सा वायर है, छोटे से वायर के ऊपर इतना टेंशन थोड़ी ना लगने वाला है, इसलिए वहां पे माइनस आए, इधर माइनस, तो -3 -2 कितना हो जाएगा, -5, और ये हो जाएगा -4, और -4 बचा हो गया, तो उसमें से 2 अगर दे दिया तो भी 10^-2 बचता है, तो 1.5 × 10^-2 न्यूटन, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मर्क्यूरी ड्रॉप ऑफ रेडियस आर ब्रेक्स इनटू एन ड्रॉपलेट्स ऑफ इक्वल साइज, द रेडियस आर ऑफ ईच ड्रॉपलेट इज, रेडियस हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है, बराबर, तो ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने, यहाँ पे हम लोग पहले मर्क्यूरी ड्रॉपलेट बना लेते हैं, तो मर्क्यूरी ड्रॉपलेट पहले कितने थे, पहले सिर्फ एक मर्क्यूरी ड्रॉपलेट था, तो ये बन गया एक मर्क्यूरी ड्रॉपलेट, बराबर, अब वैसे कितने हैं, एन नंबर्स ऑफ, कितने हैं एन नंबर्स ऑफ, ये एन नंबर्स ऑफ मर्क्यूरी ड्रॉपलेट बन गए, अब उसमें से क्या दोनों का वॉल्यूम जो रहेगा वो कांस्टेंट होगा, यस सर, वॉल्यूम तो है, वो क्या होगा कांस्टेंट, वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, इसमें कोई डाउट नहीं, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, लेट्स से ये जो बड़ा वाला मर्क्यूरी रेडियस है उसका उन्होंने आर दिया हुआ है, एंड ये जो छोटे छोटे है उसका उन्होंने स्मॉल आर ऑलरेडी दिया हुआ है, तो टेंशन ही किस बात का, वॉल्यूम के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो एंड रिलेशन सीधा सीधा मिल जाएगा, तो V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4/3 π R³, ये है इसके लिए V1, इसके लिए हम लोग V2, इसके लिए V2, बराबर, विच इज इक्वल टू 4/3 × n × π r³, 4/3 π, 4/3 π कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, r³ इज इक्वल टू nr³, हमें क्या चाहिए, स्मॉल r चाहिए, तो स्मॉल r इज इक्वल टू r³/n, यहाँ पे r³ आ जाएगा, तो देयरफॉर हमको क्यूब रूट ऑन दोनों दोनों तरफ हम लोग क्यूब रूट लेंगे, तो r इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा कैपिटल r/n⁻³, विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, व्हाट डू यू मीन बाय आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल यानी कि सर टेंशन जो होता है वो होता है कांस्टेंट, टेंशन अगर कांस्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट, टू सो बबल, बबल सुनाई दिया, यानी कि बबल तो डबल, क्या करने का, बबल तो डबल, ऐसा, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ हमने, R1 एंड R2 दोनों एक साथ में मिल रहे हैं एंड बड़ा सा ड्रॉप बना रहा है, द रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप, रेडियस ऑफ द बिग ड्रॉप का फॉर्मूला हमें जनरेट करना है, ठीक है, यहाँ पे जो उन्होंने कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से अगर हम चलते हैं, तो फिर पहले मुझे बताइए व्हाट इज द, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो रिलेशन यहाँ पे हम लोग का क्या बन सकता है सर, पीवी ऑफ अ बिग ड्रॉप, बराबर, जो बिग ड्रॉप को छोड़ दे, पहले जो छोटे छोटे जो दो सॉप बबल्स है दोनों, उन दोनों का मिले, तो P1 V1 प्लस
P2 V2 is equal to P into V, ऐसा आ जाएगा। तो P प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर, और यहां से चेंज इन प्रेशर क्या होता है, 2T/R। बट यहाँ पे क्या है सर, बबल है, बबल यानी कि क्या करने का, डबल करने का, क्या करने का, डबल, किसको डबल करने का सर, ये जो टेंशन है ना इसको करने का डबल, क्योंकि दो एरिया हमें मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4T/R, क्या हो जाएगा, 4T/R, तो यहाँ पे P1 की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4T/R1 का R1 बराबर, एंड वॉल्यूम ऑफ दैट बबल, जो छोटा वाला बबल है उसका रेडियस है R1, बड़ा वाला दूसरा बबल है उसका रेडियस है R2, एंड जो बड़ा वाला बबल से उसका हम लोग रेड से रेडियस ले लेता हो, इधर ये R1 हो गया, प्लस उसको हम लोग को दूसरे R1 R2 के साथ मिलाना है, विच इज इक्वल टू एक बड़ा सा बबल बन रहा है जिसका रेडियस मैं R लेता हूँ, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बबल, वॉल्यूम स्पीयर ही है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3 π R1 का क्यूब, प्लस P2 की जगह पे 4T/R2 आ जाएगा, एंड अगेन 4/3 π R2 का क्यूब इज इक्वल टू 40 बाय, रेडियस ऑफ द बिग बबल इज R, एंड V की जगह पे आ जाएगा 4/3 π R3। क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है? यस सर, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी चीजें कैंसिल हो रही है, देखिए 40 40 40, फिर 4/3 π 4/3 π 4/3 π कैंसिल हो गया, बचा क्या, R1 का क्यूब अपॉन R, यानी कि R1 का स्क्वायर प्लस R2 का क्यूब अपॉन R2, यानी कि R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R का क्यूब अपॉन R, यानी कि R का स्क्वायर, देयरफॉर R इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा। विच ऑप्शन इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वाटर राइजेस टू अ हाइट ऑफ 15 मिलीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब हैविंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द ट्यूब इज मेड a/3, देन द वाटर विल राइज टू द हाइट ऑफ, पहले जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो ए था, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, a/3 है, देन वाटर, अभी देखो सबसे पहले तो तुमको ये पता चलना चाहिए, याद है ना कैपिलरी क्या होता है सर, ये देखो ये रहा, छोटा छोटा बनाते हो डायग्राम, यहाँ पे इसके अंदर लेट्स से कुछ तो लिक्विड है, ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर ये रहा आपका कैपिलरी, जो दोनों तरफ से क्या होता है, ओपन होता है, सीधा होता है भाई, टेढ़ा नहीं होता है ऐसा, सीधा होता है, और फिर इसके अंदर से क्या होता है भाई, ये वाटर जो रहता है ना वो उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है बराबर। अब हमें लेट्स से पहले मैं यहाँ पे जो लिक्विड मिल रहा है उसकी हाइट है H1, और जो दूसरा वाला है उसकी हाइट है H2 बराबर, हमें H2 फाइंड करने के लिए कहा गया है, बट उस टाइम पे उन्होंने कंडीशन क्या की है, कंडीशन ये बोला है कि पहले वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो था ए, दूसरे वाला जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, a/3 बराबर, पहले वाले की जो हाइट है वो कितनी दी है, 15 mm दी है, सेकंड वाले की हाइट हमें फाइंड करनी है, तो सीधा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला है एच का, हाइट का फॉर्मूला एच इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2t cos θ अपॉन r ρg। सो यहाँ से हमें क्या चीज पता चलती है सर, एच जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, एंड जो एरिया होता है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि सर्कल का एरिया कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैं बोलूं एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो यहां से क्या मैं बोल सकता हूँ, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए, और फिर यहीं से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एरिया, हमें क्या चाहिए, H2 चाहिए, सो H2/H1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इनवर्स प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे A1/A2 आ जाएगा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, A1 कितना दिया हुआ है, A दिया है, A2 कितना है, A/3 दिया हुआ है, A कैंसिल हो गया, बचा गया ऊपर चला जाएगा 3, तो ये हो जाएगा √3, और H2 इज इक्वल टू
√3 × H1, H1 हमें कितना दिया हुआ है सर? H1 है 15 मिलीमीटर, 15 मिलीमीटर चलेगा क्या? नहीं चलेगा, तो √3 × 15 × 10⁻³ मीटर, यही से हमारा आंसर मिल गया। देखो ये रहा ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, 15√3 × 10⁻³ मीटर, ये हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर फ्लो थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप एट अ वेलोसिटी एट अ स्पीड वी, इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप इज डी, इफ द वाटर इज इमर्स एट अ स्पीड इमर्जिंग एट द स्पीड वी वन देन द डायमीटर ऑफ द नोजल इज। ओके देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए ये नोजल है बराबर, अब वाटर पहले इसके अंदर से जा रहा है वी वी स्पीड से, इसके बाहर से निकल रहा है वी वन स्पीड से, एंड इसका जो डायमीटर है वो कितना है? डी है, डायमीटर कितना है? डी है। देन द वाटर इमर्जिंग इन द वी वन डायमीटर ऑफ द नोजल, डायमीटर हमें पूछा गया है, सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दें, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है सर? A1 V1 is equal to A2 V2, बराबर। अब एरिया जो होता है, एरिया होता है ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होता है? पाई, R² में पाई आर की जगह पे ले लेता हूं D/2, डायमीटर का आधा, तो ये हो जाएगा π/4 × D² यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप इज डी, इफ द वाटर इज इमर्जिंग एट द स्पीड ऑफ वी वन, स्पीड उसका चेंज हो रहा है, देन द डायमीटर ऑफ द नोजल एट द, मतलब ओके यहाँ पे ये वाला हमें फाइंड करना है, लेट्स से जो इसका डायमीटर है उसको मैं D- ले लेता हूँ, बराबर यही, हाँ बस चलिए अब हो गया। तो A1 की जगह पे अब हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? π/4 × D V1 है ना, तो डी A1 है यानी कि D² एंड V1 की जगह पे कुछ नहीं, V1 की जगह पे V, सॉरी पहले V1 की जगह पे उन्होंने V दिया हुआ है, इज इक्वल टू A2 की जगह पे आ जाएगा π/4 डायमीटर के टर्म में D² इंटू कितने स्पीड है? V1 जितनी, तो π/4 कैंसिल हो जाएगा, हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए D-, तो D² इज इक्वल टू D² अपॉन V × V1 आ जाएगा, एंड टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो हमें D- इज इक्वल टू मिल जाएगा, D जो है वो बाहर चला जाएगा स्क्वायर रूट के, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा V/V1, तो दिस इज अवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, सो आंसर इज V/V1 D × D, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर राइजेस अप टू अ हाइट h in a capillary tube on the surface of the surface of the earth, बराबर, the value h increase, h को हमें करना है increase, और उसके लिए उन्होंने capillary tube appearance कहाँ पे उसको रखना चाहिए ये उन्होंने बोला हुआ है, पहले तो बोल रहा है acceleration where in the lift going downward with acceleration where a is less than g, okay, b दिया है on the poles एंड सी दिया है ऑन द सन एंड डी दिया है इन द लिफ्ट गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन, चलिए तो फिर चेक करते हैं। अभी देखियो सबसे पहले तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू 2t cos θ अपॉन R ρg। अभी यहाँ पे ये चारों केसेस दिए हुए हैं, उस चारों केसेस में डिफरेंस क्या है? सो ये चारों केसेस के अंदर है ना ग्रेविटी चेंज हो रही है, अगर ग्रेविटी चेंज हो रही है इसका मतलब मैं बोलूँ कि अगर ग्रेविटी एच को इंक्रीज करना है, एच को क्या करना है? इंक्रीज करना है, उन्होंने बोला है द वैल्यू ऑफ एच विल इंक्रीज, एच को इंक्रीज करना है तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इनवर्स प्रोपोर्शनल, तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? डिक्रीज। चलिए अब पहला केस देखिए, वेदर लिफ्ट है, लिफ्ट की बात कर रहे हैं, तो अब लिफ्ट के अंदर ये लिख लिया लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर क्या होगा सर? उसके अंदर जी इफेक्टिव, लिफ्ट क्या हो रही है? गोइंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन है, और जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? लेस देन जी है, तो इसलिए जी इफेक्टिव हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमने याद रखा है, जी इफेक्टिव का फॉर्मूला होता है G-A, तो मैं बोलू कि जी इफेक्टिव है यहाँ पे जो हमें मिलने वाला है जी इफेक्टिव वो लेस देन जी मिलेगा, बराबर,
लेस देन जी मिलेगा। तो हमें तो यही चाहिए ना, हमको जो जी को कम करना है, जी जितना कम होगा उतना एच की हाइट क्या होगी, बढ़ेगी। ओके ऑप्शन बी को चेक करते हैं। ऑन पोल्स, देखो पोल के ऊपर इक्वेट, पोल के ऊपर ऑलमोस्ट जी की वैल्यू होती है जी के बराबर, जी ही होती है ऐसे भी बोल सकते हो, इक्वेटर पे जी से कम होती है, कितना तो 0.03 से 333। ओके एंड नाउ सी ऑन द सन, अरे सन जो होता है उसके ऊपर जी, इफ वहां पे जो ग्रेविटी होगी इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन अवर जी। व्हाई? क्योंकि सन की जो ग्रेविटी होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 274 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जितनी होती है। अपनी कितनी है? 9.8। 9.8 से भी हमको यहाँ पे हमको और कम चाहिए, जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में मिला है। एंड द डी वाला लगा देखते हैं, डी वाले में क्या गया है कि जो लिफ्ट है वो कहाँ जा रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अगर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जी इफेक्टिव जो हमें यहाँ पे मिलेगा वो हो जाएगा ए प्लस जी हो जाएगा। सो यहाँ की जी इफेक्टिव इज ऑल्सो ग्रेटर देन जी। फोर कौन से ऑप्शंस चले गएंगे? यहाँ पे डी गया, इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन ए इज द ओनली द आंसर। सो करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स चेक द आंसर। ओके सो लेट्स मेक द करेक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमें जी की एच की वैल्यू ज्यादा चाहिए, एच की वैल्यू ज्यादा चाहिए, तो जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी इज नॉट द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सोप बबल ऑफ रेडियस आर इज ब्लोन After hitting the solution, the second bubble of radius 2R is blown. The work required to blow the second bubble in comparison to the that of the required the first bubble is. Work को हमको क्या करना है? Simply क्या करना है? Compare करना है. Work को हमको compare करना है. What is the work done for bubble? Work done is equal to tada. क्या होता है? Work done is equal to tada. अब देखो यहाँ पे bubble की बात कर रहे हैं। बबल तो याद रखने का, डबल बबल तो डबल, ये याद ही रखने का। तो जो टेंशन हो जाएगा वो कितना होगा? 2T, दो सरफेस आ जाएंगे तो इसलिए 2T हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये चीज याद रखनी है, पहले वाला। अब हमारा जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो टाडा, और हमें यहाँ पे ये एरिया देखना है बराबर। तो एरिया ए वन इज इक्वल टू, पहले जो बबल है वो रेडियस आर वाला बबल लेते हैं, तो यहाँ पे लेट्स से इस तरफ करता हूँ, तो ये बना दिया मैंने बबल, एक बबल ये बना दिया, इधर दूसरा बबल बराबर। दोनों बबल का रेडियस अलग अलग है, पहले जो बबल था उसका रेडियस जो था वो था ए आर, एंड जो दूसरा है उसका बबल का रेडियस था वो था 2R बराबर। तो दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया भी क्या, सॉरी दोनों का सरफेस एरिया भी क्या आएगा? अलग अलग है। तो पहले के लिए ए वन इज इक्वल क्या लगेगा? 4π r² एंड ए टू कितना आएगा? 4π 2R² which is equal to 4, और 4 अंदर से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 16π r² ठीक है। इसमें किसी को कोई डाउट? नो सर। नाउ सबसे पहले एरिया कितना था? सर जो पहले वाला बबल था उसका वर्क डन एरिया है वो 4π r² है, तो उसके लिए मुझे वर्क डन W1 कितना मिलेगा? W1 is equal to टड़ा, यानी कि टी की जगह पे, सबसे पहले तो एक चीज याद रख लो कि यहाँ पे टड़ा में टी जो है वो सिर्फ टी नहीं आएगा, क्या आएगा? 2T आएगा। क्या आएगा? 2T। ओके नाउ डन, दिस वन कंप्लीटेड। नाउ अब यहाँ पे आ जाएगा 2T इनटू एरिया कितना है यहाँ पे? 4A1 की जगह पे क्या आ जाएगा? A1 आएगा बराबर। तो 2T एरिया की जगह पे 4π r² तो वर्क डन हमें मिलेगा फर्स्ट फर्स्ट बबल के लिए मिलेगा 8π t r² अब हमें वर्क डन फॉर सेकेंड बबल चाहिए, तो सेकेंड बबल के लिए हमें वर्क डन कितना मिलेगा? सर देखो सेकेंड बबल का जो वर्क डन है वो फाइंड करने से अच्छा है, उन्होंने जो हमें पूछा है द वर्क रिक्वायर्ड टू ब्लो द सेकेंड बबल इन कंपेरिजन टू द रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट बबल, तो हम क्या करते हैं दोनों के क्रॉस सेक्शनल एरिया, दोनों के एरिया जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा? चेंज इन एरिया मिल जाएगा। चेंज इन एरिया कितना मिल जाएगा? 16 माइनस 4 यानी कि 12 पाई
आर स्क्वायर। सो अब जो वर्क डन लगेगा वो कितना वर्क डन लगेगा, सो इसको मैं W2 ले लेता हूँ और इससे W लेता हूँ, कि दोनों के बीच का डिफरेंस है ना ये। सो W कितना वर्क डन ज्यादा लगेगा, कितना वर्क डन ज्यादा लगेगा ये पूछा गया है। सो वर्क डन, और इसको मैं बोला चेंज है तो मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बराबर। एक्स्ट्रा वर्क डन कितना लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा टडा 2TDA। सो 2T, T को एज इट इज, डी ए की जगह पे आ जाएगा 12 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 × 12 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, बराबर। डी हो जाएगा 24 पाई TR स्क्वायर। अब WC को एंड W1 को जरा कंपेयर कीजिए, दोनों में कितना चेंजेस है। सर W1 है वो 8 है और WC है वो 24 है, 8 3 होता है, तो इसलिए क्या मैं बोल सकता हूँ, कंक्लूजन क्या होगा यहाँ पे कि WC यानी कि वर्क डन जो लगने वाला है वो 3 गुना ज्यादा लगेगा, फर्स्ट बबल से 3 गुना ज्यादा लगेगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए डबल, ऑप्शन बी डबल नहीं चलेगा, स्लाइटली मोर जाएगा, 4 से ज्यादा नहीं है, ऑप्शन सी स्लाइटली लेस देन, यस इट इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन डी क्या है, स्लाइटली लेस देन डबल, नहीं तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि स्लाइटली, अरे यहाँ पे मैंने, हाँ बराबर, स्लाइटली लेस देन 4 ना, तो लेस देन 4 यानी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स एज वेल एज द कॉन्वेक्स मिरर देन द आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके ये है हमारे काम का नहीं है, बराबर। ये क्या है, कौन सा वाला है, ये अपना ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज मोर देन दैट ऑफ द वॉटर इन द सेम कैपिलरी इफ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रीजन, राइज इन द कैपिलरी इज मोर देन द वॉटर इन द सेम कैपिलरी। ठीक है, देखिए पहला उन्होंने क्या किया है कि ये रहा एक कैपिलरी, ये रहा एक दूसरा कैपिलरी, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी, यहाँ पे मैं एक लिक्विड ले लेता हूँ जो ऑरेंज कलर का है, बराबर। सो ये इतना है, एंड दूसरे में मैं ले लेता हूँ दैट ऑफ द वॉटर, ये रहा वॉटर, तो देखिए दोनों के बीच में ये इधर है और ये इधर है, इतना डिफरेंस है, बराबर। तो यही उन्होंने कहा है, द राइज ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी इज मोर देन दैट ऑफ वाटर इन द सेम कैपिलरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहां से आपको ये समझने की जरूरत है, ये वाला जो हो गया अपना लिक्विड का केस है और ये जो है वो अपना वाटर का केस है, डेफिनेटली उसको अलग अलग बीकर में रखा गया था पहले, बराबर, उसके अंदर, बराबर। भाई सेम कैपिलरी है, सेम कैपिलरी को एक बार वाटर में डुबाया जा रहा है तो उसके अंदर कुछ तो राइज इन वाटर हो रहा है, और उसी कैपिलरी को जब दूसरे लिक्विड के अंदर दब रखा जा रहा है तो उसके अंदर जो वाटर का लेवल आया था राइजिंग उससे ज्यादा आ रहा है, ये वो कह रहे हैं। सो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज लेस देन दैट ऑफ द वॉटर। देखो सबसे पहले तो ये वाला विस्कोसिटी है ना, विस्कोसिटी वाले केस को हटा दो, विस्कोसिटी का कोई लेना देना नहीं है, डज नॉट डिपेंड ऑन विस्कोसिटी, तो बचा सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी बचा, बराबर। अब सरफेस टेंशन और डेंसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को हाइट का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला लिख देते हैं, हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू, एच इज इक्वल टू क्या आएगा, 2T cos θ अपॉन R ρg। अब यहाँ पे लिक्विड यानी कि वाटर से एक दूसरा लिक्विड है यानी कि उसका क्या हो रहा है, चेंज, डेंसिटी चेंज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो डेंसिटी जिसका कम उसका हाइट ज्यादा, तो मैं यहाँ पे H1 जिसको मैं HL से रिप्रेजेंट करता हूँ, HW वाटर का, बराबर,
सो मैं बोल सकता हूँ हाइट किसके ज्यादा है? सर हाइट ज्यादा है एच एल इज ग्रेटर देन एच डब्ल्यू, तो फिर डेंसिटी किसका ज्यादा होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वॉटर। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है ऑप्शन में, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स इट, इतना ही था। सरफेस टेंशन की बात की जाए तो देखो यहाँ पे एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन, सरफेस टेंशन है। तो अगर एच एल इज ग्रेटर देन एच डब्ल्यू है तो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। सो ऑप्शन सी को जरा देखिए क्या वो भी करेक्ट है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज लेस देन ऑफ दैट ऑफ द वाटर बोला, यानी कि दैट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। टू स्मॉल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ सेम रेडियस एक साथ में मिल रहे हैं एंड बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं, द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एनर्जीज आफ्टर एंड बिफोर चेंज इज, टोटल सरफेस एनर्जी का रेशियो उन्होंने पूछा हुआ है आफ्टर एंड बिफोर द चेंज, बराबर। तो लेट्स से पहला है एक ड्रॉप, इस बार ड्रॉप बोला है बराबर, ये रहा दूसरा ड्रॉप, दोनों का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, अज्यूम कर लेते हैं, एंड दोनों मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप बनाते हैं जिसका रेडियस है कैपिटल आर, बराबर। चलिए अब वॉल्यूम क्या होगा? सर वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा क्योंकि दोनों मिला के ही बन रहे हैं, वही एक ही चीज, बराबर। तो इसलिए आगे भी चला जाता था सब कुछ। चलिए इधर गया भाई ड्रॉ अपना, चलिए। सो वॉल्यूम दोनों का कांस्टेंट है, लेट्स से इन दोनों का मिला के जो वॉल्यूम है वो है V1, इसका वॉल्यूम है वो है V2, तो V1 इज इक्वल टू V2 में अगर लिखता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V2, तो दो टू टाइम्स ऑफ क्या आ जाएगा यहाँ पे, टू टाइम्स ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3, दो ड्रॉप है इसलिए मैंने टू टाइम्स ऐड कर दिया, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू, और यू कैन से अगर मैं टेकिंग क्यूब रूट ऑन दोनों तरफ में अगर क्यूब रूट लेता हूँ तो मुझे मिल जाएगा आर बाय, एक काम करता हूँ आर बाय स्मॉल आर द होल क्यूब इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे क्यूब रूट लेता हूँ तो आर बाय कैपिटल आर बाय स्मॉल आर हमें मिल जाएगा 2 raised to 1/3। चलो नाउ अभी बस अपना काम हो गया, टोटल सरफेस एनर्जी की बात कर रहे हैं तो टोटल सरफेस एनर्जी फॉर द लिक्विड ड्रॉप कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू टडा बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा T, अब डी ए बराबर एरिया। नाउ जरा मुझे बताइए कि E1 में क्या लिखूं, E1 में कितना आएगा? सर E1 में जो एरिया है वो डबल हो गया इसीलिए ये हो जाएगा 2 into, मैं एरिया को यहाँ पे डी का नाम रिप्रेजेंट करते सिर्फ ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो यहाँ पे एरिया जो है वो 2 into a आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 into a आ जाएगा, इसको मैं A1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और एरिया कितना आएगा विच इज इक्वल टू टी, 2 आगे ले लेता हूँ यहाँ पे टी आ जाएगा, और जो एरिया है वो हो जाएगा 4π r² बराबर। तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करूँ तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, E1 इज इक्वल्स टू ओके बराबर, एंड ओके ऐसे रहने देते हैं, और E2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2 into, यहाँ पे इस बार दो टाइम्स नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ सिंगल ए ही आएगा बराबर, A2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा T, और A2 की जगह पे हम लोग देख लेंगे 4π R², लैपटॉप हैंग हो रहा है ठीक है, एक क्वेश्चन हो जाएगा। चलो तो यहाँ पे अभी हमको क्या फाइंड करना है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एनर्जी आफ्टर, पहले उन्होंने आफ्टर बोला यानी कि E2 by B4, तो पहले आएगा E2 by E1, E2 by E1 इज इक्वल्स टू T into 4π R² upon 2T into 4π r² 4π 4π T T कैंसल, तो यहाँ पे बचा 1/2 (R) कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का वैल्यू हमें मिला है 2 raised to 1/3, तो ये हो जाएगा
टू है जो है उसको मैं ऊपर जाने दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू 1/3 -1 विच इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 को से जाने दो तो -2/3 हो जाएगा। सो -2/3 इज टू 1 इज द अवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। द एक्सेस प्रेशर इन साइड अ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ वाटर इज 3 times दैट ऑफ द अनदर ड्रॉप ऑफ वाटर, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। देख एक हो गया ये रहा फर्स्ट ड्रॉप, ये रहा दूसरा ड्रॉप। पहला ड्रॉप जो है इसको मैं फर्स्ट नंबर देता हूँ, इसको मैं सेकेंड नंबर देता हूँ। पहले ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर है, क्या मैं सोचू चेंज इन प्रेशर P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ड्रॉप है यानी कि 2T आएगा, 2T/R1। और चेंज इन प्रेशर इन ड्रॉप 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2T/R2 आ जाएगा, बराबर ना। हमें गिवन दिया हुआ है कि पहले वाले ड्रॉप का जो एक्सेस प्रेशर है वो दूसरे वाले ड्रॉप से 3 times कितना, 3 times ज्यादा है, तो 3P2 लिख दो यहाँ पे, बराबर। सो यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं तो 2T/R1 इज इक्वल टू 3 × 2T/R2, 2T 2T कैंसल। सो मैं लिख सकता हूँ R1 और सॉरी R2 इज इक्वल टू 3R1, R2 इज इक्वल टू 3R1। उन्होंने हमें सरफेस एरिया का रेशियो पूछा हुआ है, सरफेस एरिया का रेशियो को पूछा है, तो मैं बोलूँ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। सो सरफेस एरिया होता है 4π r² यहाँ पे r1 का स्क्वायर, अब 4π r² का स्क्वायर यहाँ पे r2 का स्क्वायर, 4π 4π कैंसल, r1/r2 द होल स्क्वायर हमें मिला है। r1 की जगह पे हमें देखो r2 r1 का एजिटेशन है तो r2 की जगह पे मिला है 3r1 द होल स्क्वायर, r1 r1 कैंसिल, आंसर 1/9। दिस इज योर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ओके, इन द रीजन ऑफ नेरोएस्ट पार्ट इन साइड द पाइप द वॉटर विल हैव। तो देखो सबसे पहले तो इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लेट्स से ये वाला एरिया एंड दिस एरिया, बराबर। इसमें नेरो नेरो कौन सा होगा, ये वाला सर नेरो पाइप है, बराबर नेरोएस्ट। इसका जो एरिया होगा, लेट्स मैं इसके एरिया को A1 ले लेता हूँ एंड इसका जो एरिया है उसको मैं A2 ले लेता हूँ। इसको मैं पॉइंट A ले लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट B ले लेता हूँ, बराबर। यहाँ से कुछ तो वेलोसिटी से वाटर जाएगा, लेट्स से V1, और यहाँ से कुछ तो वेलोसिटी से वाटर आएगा, लेट्स से V2। सो सीधा सीधा हमको दिख रहा है कि एरिया A1 इज ग्रेटर देन A2। अब हमें पूछा क्या है, इन द रीजन ऑफ नेरोएस्ट पार्ट इन साइड द पाइप द वॉटर विल हैव, वॉटर विल हैव क्या होगा भाई। देखो वेलोसिटी और प्रेशर के बारे में पूछा गया है ऑप्शन के अंदर, वेलोसिटी और प्रेशर, तो यहाँ की वेलोसिटी और प्रेशर का रिलेशन निकाल। तो देखो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहता है सर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहता है A and V बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है तो मैं बोलू A1 इज ग्रेटर देन A2 देन V1 इज लेस देन V2, बराबर। और तो फिर अभी मिनिमम वेलोसिटी वाले जो ऑप्शन है उसको हटा देते हैं, तो देखो ये रहा मिनिमम वेलोसिटी वाला, ये रहा मिनिमम वेलोसिटी वाला, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी गया। मैक्सिमम वेलोसिटी वाले दो ऑप्शन अभी बचे हैं, और एक में लिखा है बोथ मैक्सिमम प्रेशर एंड वेलोसिटी, एक में लिखा है सिर्फ मैक्सिमम है वेलोसिटी और प्रेशर है मिनिमम, ठीक है। चलिए देखें अगर ऐसा कंडीशन है तो देखिए बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है। बर्नौली इक्वेशन कहता है P ρgh + ½ρv² is equal to constant। अगर ये कांस्टेंट रखना है तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर वी वी जो है एट पॉइंट टू बी, अगर वी इंक्रीज हो रहा है
तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा सर, डिक्रीज होना पड़ेगा, समझ में आया क्या? सो इसीलिए प्रेशर क्या होगा, मिनिमम। सो प्रेशर इज मिनिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लार्ज वेसल, अ लार्ज वेसल कंप्लीटली फिल्ड विथ वॉटर हैज अ होल ए एंड बी एट अ डेप्थ एच एंड 4H फ्रॉम द टॉप, बराबर। होल ए इज स्क्वायर ऑफ साइड एल एंड होल बी इज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। इफ फ्रॉम बोथ द होल सेम क्वांटिटी ऑफ वॉटर इज फ्लोइंग, क्वांटिटी हमें सेम कही गई है, Q1 इज इक्वल टू Q2, मैं क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बराबर। इफ द फ्रॉम द बोथ होल्स द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज फ्लोइंग पर सेकेंड देन साइड ऑफ स्क्वायर होल इज, तो हमें ये पूछा है भाई, देखो लार्ज वेसल है कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर है, होल ए है एंड होल बी है एट डेप्थ एच एंड 4H, बराबर। ये देखा बना दिया है बड़ा सा लार्ज सा वेसल, और इसको मैं सामने से देख रहा हूँ, वेसल है ठीक है, उसको मैं सामने से देख रहा हूँ। पहले वाला जो होल है ठीक है ए पे, जो होल जो है वो स्क्वायर है, कैसा है स्क्वायर, एंड जो दूसरा होल है वो है क्या है सर्कल, बराबर। एक की हाइट है एच, दूसरे की हाइट है 4H, तो इसको मैं ऐसे ऐसे साइड में लिख देता हूँ भाई, पहले वाला जो है इतना ये एच हाइट पे है और ये 4H हाइट पे है, ये हमें दिया हुआ है, बराबर। अब हमें पूछा है भाई ये जो स्क्वायर है उस स्क्वायर का जो इस लेंथ होगा वो कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है, और दोनों से अंदर से जो पानी का फ्लो है जो बाहर निकल रहा है वो क्या है, सेम है, क्वांटिटी क्या है सेम है, Q1 इज इक्वल टू Q2 कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी अगर सेम है, यानी कि अगर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाया है तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 हो जाएगा, बराबर। देयरफॉर अब देखो ये जो एरिया है फर्स्ट A1 वो किसका एरिया है सर, वो एरिया ऑफ स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है लेंथ का स्क्वायर। व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेलोसिटी वहां से सीधा मतलब पानी जो है वो नीचे गिर रहा है, तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2gh, कितना होगा अंडर रूट ऑफ 2gh इज इक्वल टू A2 की जगह पे, A2 क्या है स्फीयर है सर्कल है, सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। V2 कितना होगा सर, सेम अंडर रूट ऑफ 2gh की जगह पे क्या आ जाएगा 4h आ जाएगा, एच की जगह पे क्या है, ओके मैंने उल्टा बनाया ठीक है, तो तुम लोग देख लेना 4h ऊपर आ जाएगा नीचे आएगा ठीक है। तो यहाँ पे √2g कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर और एच भी तो कैंसिल हो जाएगा, बराबर। सो एल स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इनटू अंडर अंडर में क्या है 4 है, तो 4 बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो एल इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 पाई, और आर का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ये मिल गया हमको आंसर, अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू आर, अंडर रूट ऑफ 2 पाई इंटू आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द फर्स्ट सोप बबल ऑफ रेडियस आर वन इज 2 टाइम्स दैट द इनसाइड द सेकेंड सोप बबल ऑफ रेडियस आर टू, ठीक है बबल की बात की है, बबल यानी कि डबल, ये याद रखने का, बराबर। ये हो गया 2, इसका रेडियस है R2, इसका रेडियस है R1, बराबर। बबल लिख ही देने का, बबल यानी कि डबल। चलिए एक्सेस प्रेशर की बात की है, और उन्होंने कहा है कि पहला वाला जो सोप बबल है उसके अंदर जितना प्रेशर है वो दूसरे वाले सोप बबल्स के अंदर जितना प्रेशर है उससे 2 टाइम ज्यादा है, और सोप एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2T/R, यहाँ पे R1 ले लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2T/R2, खा गए ना गलती, क्या गलती की सर ये बबल है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, भले ही आंसर मतलब वो कैंसिल ही होने वाला है बराबर, बट वो डबल हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा बराबर, और हमें यहाँ से R1 इज इक्वल टू R1 को सिर्फ ले लो R2 के सिर्फ, तो R1 इज इक्वल टू मिलेगा R2/2, बराबर। चलिए रेशियो मिल गया, अब वॉल्यूम हमें पता है, वॉल्यूम इज, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट बबल टू द सेकंड बबल हमें पूछा हुआ है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 π r³, तो वॉल्यूम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू r³ आ जाएगा, सो वॉल्यूम 1 अपॉन वॉल्यूम
टू इज इक्वल टू आर वन बाय आर टू द होल क्यूब। यहां से आर वन बाय आर टू अगर मैं फाइंड करता हूँ तो मुझे आर वन बाय आर टू यहाँ पे मिल जाएगा 1/2। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ 1/2 द होल क्यूब विच इज इक्वल टू 1/8। सो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 1000 स्मॉल वाटर ड्रॉप्स ऑफ इक्वल रेडियस कंबाइन टू फॉर्म अ बिग ड्रॉप बराबर। तो ये देखिए छोटे 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 टाइनी टाइनी कितने हैं ऐसे टोटल 1000 यानी कि 10^3 बोल दो सब मिलके एक बड़ा सा ड्रॉप बना रहे हैं। ये बन गया बड़ा सा ड्रॉप। ये भाई ड्रॉप तो बन गया भाई बड़ा सा। ये बन गया बड़ा सा ड्रॉप बराबर। ये बड़ा सा जो ड्रॉप है ठीक है तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? यस सर। वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी टू हो जाएगा। वॉल्यूम तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट है तो वी वन इज इक्वल टू वी टू हो जाएगा। अब जो बड़ा वाला ड्रॉप है उसका मैं रेडियस लेट से कैपिटल आर ले लेता हूँ, जो छोटा वाले ड्रॉप है उसका मैं रेडियस ले लेता हूँ स्मॉल आर। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? द रेशियो ऑफ फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ द टोटल इनिशियल और रेशियो ऑफ द फाइनल सरफेस एनर्जी टू टोटल इनिशियल सरफेस एनर्जी हमें फाइंड करना है, यानी कि ई टू बाई ई वन हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। सरफेस एनर्जी को मैं ई से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो हमें ई टू बाई ई वन फाइंड करना है। और सरफेस एनर्जी होता है टड़ा टी ए वन बाई टी ओके सॉरी टी ए टू आ जाएगा ना, टी ए टू बाई टी टू ए वन। टी टी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? यहाँ पे बचेगा सरफेस एरिया किसका? ए टू का कितना है? 4 पाई यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर तो आएगा बट ऐसे कितने हैं टोटल? 1000 तो 10^3 आ जाएगा। 4 पाई 4 पाई कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? कैपिटल आर बाय स्मॉल आर द होल स्क्वायर इनटू 1/10^3 बचेगा। अब आर और स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में रिलेशन मिल गया तो अपना काम हो गया। तो देखो वॉल्यूम तो दिया है, वॉल्यूम तो हमारा क्या है? कांस्टेंट है, वॉल्यूम सेम है तो वी वन इज इक्वल टू वी टू है। तो यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी वन यानी कि 1000 यानी कि 10^3 इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा एंड यहाँ पे हमको कैपिटल आर बाय स्मॉल आर द होल क्यूब इज इक्वल टू मिल जाएगा 10^3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैपिटल आर बाय थ्री ओके इधर नहीं हो रहा है, हाँ यहाँ से लिख देता हूँ कैपिटल आर बाय स्मॉल आर इज इक्वल टू मिल जाएगा 10। डाल दो यहाँ पे 10 तो ये हो जाएगा 1/10^3 इंटू 10 का स्क्वायर ये गया ये गया तो आंसर मिला 1/10। सो 1:10 सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट लेट आर वन आर टू आर द रेडाई ऑफ टू मर्क्यूरी ड्रॉप्स। अ बिग मर्क्यूरी ड्रॉप इज फॉर्म फ्रॉम देम अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन की बात की गई है, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया तो अभी यहाँ पे दो ड्रॉप लेते हैं, एक रहा ये हो गया दूसरा, और दोनों मिला के एक बड़ा सा ड्रॉप फॉर्म कर रहे हैं बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ तो छोटे वाला ड्रॉप है उसका रेडियस है आर वन, दूसरे का ड्रॉप है आर टू, तो बड़ा वाला ड्रॉप होगा उसका रेडियस मैं ले लेता हूँ आर, गिवन ऑप्शन के हिसाब से तो आर ही बैठता है बराबर। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा दोनों का मिला के जो वॉल्यूम है वी वन और इसका वॉल्यूम है वी टू, दोनों का वॉल्यूम तो क्या होगा? सेम ही होगा क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही रहेगा। तो वी वन इज इक्वल टू वी टू हो जाएगा बराबर। अब हमें सिर्फ एक्चुअली उसकी जरूरत है ही नहीं, वॉल्यूम को कुछ लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? देखो पी पहले जो दो ड्रॉपलेट है उसको मैं बोलूँ P1V1 + P2V2 इज इक्वल टू पी इंटू वी ले लेता हूँ बराबर। इसका प्रेशर जो है पी और इसका वॉल्यूम जो है वो पी, इसका है P1 इसका है V1 इसका है P2 इसका है V2 बराबर। सो P1 की जगह पे हम लोग ये क्या है ड्रॉप है तो इसलिए इसका आ जाएगा प्रेशर चेंज इन प्रेशर टू टी बाई आर वन, और यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 2T/R2 इन द ब्रैकेट 4/3 पाई R2 का क्यूब इज इक्वल टू यहाँ पे P की जगह पे आ जाएगा 2T/R इन द ब्रैकेट 4/3 पाई R क्यूब।
सो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 2t, 2t, 2t कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा आर वन का क्यूब, नीचे आर वन है तो ये हो जाएगा आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। देयरफॉर हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर? ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, सॉरी ऑप्शन सी को यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन सी इज नॉट द आंसर बराबर, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नाउ अ कैपिलरी ट्यूब इज वर्टिकली इमर्ज इन वाटर, वाटर राइजेस अप टू अ हाइट एच वन बराबर, ठीक है, एंड व्हेन द होल अरेंजमेंट इज टेकन टू डेप्थ इन द माइन द वाटर लेवल राइजेस अप टू हाइट एच टू, द रेशियो एच वन बाय एच टू इज, ठीक है। देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने सिंपली दो एक चीजें की है, ओके मेरा फेस नहीं। सो फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, देखिए अ कैपिलरी ट्यूब इज वर्टिकली इमर्ज इन वाटर, वाटर राइजेस अप टू हाइट एच वन, व्हेन द होल अरेंजमेंट इज टेकन टू द डेप्थ डी इन द माइन द वाटर लेवल राइजेस अप टू हाइट एच टू, द रेशियो एच वन बाय एच टू हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है। तो अज्यूम कीजिए कि ये है आपका ग्राउंड, यहाँ पे जब आपने पूरा जो सिस्टम था वो यहाँ पे रखा, और उस टाइम पे जब आपने इसके अंदर कैपिलरी रखा था तो उसके अंदर जो वाटर था वो वाटर का हाइट कुछ तो था, लेट्स से वो जो वाटर था वो इस लेवल तक था, किधर था इस लेवल तक बराबर। नाउ ए जो हाइट है उसको मैं लेट्स ले लेता हूँ एच वन, अब उसी को हम लोग डेप्थ में लेके जाते हैं, तो डेप्थ में जब हम उसे लेके जाते हैं तब ये पूरे सिस्टम को सेम एज इट इज कोई चेंजेस नहीं किया है। अब यहाँ पे जो कैपिलरी है, कैपिलरी के अंदर जो वाटर राइज इन वाटर जो है वो क्या हो रहा है एट अ हाइट एच टू तक हो रहा है बराबर, यहाँ पे हाइट में चेंज आ रहा है। अब हमें पूछा है भाई एच वन बाई एच टू कितना होगा, ये हमें पूछा गया है, तो सिंपल सी बात है फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू टू सॉरी एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा अपॉन आर रो जी होता है। यहाँ से पता है एच इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन जी हो जाएगा बराबर, हमें चाहिए एच वन बाई एच टू, क्या चाहिए एच वन बाई एच टू, तो हमें हाइट पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखिए हाइट पहले वाले में है एच वन, जिसको मैं वो किसके मतलब एच वन की जगह पे एच वन और जी है दोनों रिलेशन में है, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ जी एट ए डेप्थ अपॉन एच टू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जी एट ए डेप्थ में बोल सकता हूँ जी एट ए डेप्थ, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर आपकी बात करेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हमें पता चलता है कि सरफेस से जब नीचे जाते हैं तो भी ग्रेविटेशनल फील्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कम होता है, और सरफेस के ऊपर जाते हैं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कम होता है, जबकि डेप्थ में हमारा फॉर्मूला होता है जी इन द ब्रैकेट वन माइनस डी बाई आर होता है। सो इसीलिए यहाँ पे एच वन बाई एच टू की अगर बात करें तो जी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा जी डी और नीचे आ जाएगा जी, यहाँ पे जी डी का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं जी इंटू वन माइनस डी बाई आर, और यहाँ पे नीचे जी है और जी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर मिलेगा वन माइनस डी बाय आर, दिस इज अवर फाइनल आंसर विद रेशियो ऑफ एच वन बाय एच टू, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बराबर, ये ऑप्टिक्स का है इसको छोड़ देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ लिक्विड कैप्ड इन अ सिलिंड्रिकल वेसल इज रोटेटेड अबाउट वर्टिकल एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर बेस, ओके द तो देखो यहाँ पे द डिफरेंस इन द हाइट्स ऑफ द लिक्विड एट द सेंटर ऑफ अ वेसल ओके एंड इट्स एज इज, देखिए ये सबसे पहले तो एक वेसल बना देते हैं, ये बना दिया एक वेसल, अब इस वेसल के अंदर इनिशियली जो पानी था लेट्स से वो ऐसा था, अब क्या बोल रहे हैं कि उसको क्या करा रहे हैं हम लोग रोटेशन परफॉर्म करवा, विच एक्सिस के थ्रू उसके सेंटर के थ्रू हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, और जब इसको रोटेट करवा रहे हैं तब क्या होगा सर, इसका जो सिस्टम हो ना उसके जो
ये कुछ ऐसा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। वाटर लेवल जो साइड पे आएगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और जो सेंटर पे है उसका वाटर लेवल क्या डिक्रीज हो जाएगा, साइड पे वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो वही वो पूछ रहे भाई, ये जो हाइट आ रहा है ये एच कितना होगा। तो लेट्स से हम लोग दो पॉइंट को अस्यूम करते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पे लेते हैं, और ये तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। इस पॉइंट को मैं लेट्स से ए नाम देता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी नाम दे देता हूँ, बराबर। सो ओमेगा से इसको घुमा रहे हैं। नाउ जरा मुझे बताइए, प्रेशर और बर्नौल बर्न ना, कि प्रेशर रो ये सब चीजें आती है, तो हमको क्यों ना याद आना चाहिए? सर हमको आना चाहिए याद बर्नौली बाबा। बर्नौली बाबा क्या कहते हैं, बर्नौली बाबा कहते हैं कि प्रेशर एट अ पॉइंट, एनी एट एनी पॉइंट, प्रेशर एट एनी पॉइंट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब देखो हमें यहाँ पे दो पॉइंट्स लिया है, दो पॉइंट्स को अगर हम लोग यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ, पी ए प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, यहाँ पे ए आ जाएगा, वी ए आ जाएगा, यहाँ पे एच ए आ जाएगा, इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर प्लस रो जी एच बी। अब देखो दोनों के हाइट तो सेम ही है, तो मैं सोचता हूँ एच वन एच ए इज इक्वल टू एच बी है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। एंड वेलोसिटी एट सेंटर, वेलोसिटी एट सेंटर ऑफ अ पार्टिकल कितना है, वी ए इज इक्वल टू जीरो है, तो ये वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मुझे क्या मिलेगा, पी ए लेफ्ट साइड पे मैं पी बी को इस तरफ लेके आता हूँ, पी बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ रो वी बी का स्क्वायर, और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ये वी बी है, वी बी की जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, वी बी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ आर ओमेगा का स्क्वायर। और प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट सिर्फ चेंजेस कितना है सर, ये होता है एम जी एच, कितना होता है प्रेशर डिफरेंस, एम जी एच के बराबर। ये जो एच है ना वो हमको मिल गया, समझ में आया क्या, कितना प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, कितना पार्टिकल ऊपर है, तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर रो एंड रो। ओके यहाँ पे एम जी एच नहीं, माई मिस्टेक, एम जी एच नहीं आएगा, रो जी एच आएगा, सॉरी रो जी एच, रो एंड रो कैंसिल हो जाएगा। हमको चाहिए हाइट, तो हाइट हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन टू इनटू जी। सो दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टू जी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। इन अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस द लिक्विड मॉलिक्यूल एट इट्स सेंटर इज, ओके ठीक है, सेंटर पे लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर, अभी मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल जो है उसके सेंटर पे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो बनेगा उसका हमको यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टेटमेंट पढ़ के आंसर देना है। अट्रैक्ट बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, तो चलिए पहले तो एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बना देते हैं, उसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं बीकर, ये ले लिया बीकर। अभी जो बीकर है उसके अंदर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स रहेंगे या फिर लिक्विड मॉलिक्यूल्स है, ये बना दिया लिक्विड मॉलिक्यूल्स। अब इसके अंदर एक बना देते हैं एक स्पीयर, यानी कि मैं ले रहा हूँ एक पार्टिकल, इस पार्टिकल पे ऊपर कौन से फोर्स लगने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। ये सारे के सारे जो अंदर पार्टिकल्स है वो पार्टिकल भी क्या है, सेम है, तो दो सेम पार्टिकल देख सेम मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कहा जाता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, जो फोर्स लगता है उसको म्यूचुअल अट्रैक्शन लगता है, और उसी को कहा जाता है कोहेसिव फोर्स, क्या कहते हैं कोहेसिव फोर्स। और वो फोर्स देखो हर तरफ से उस पार्टिकल को इस तरफ इस तरफ इस तरफ कुछ ऐसा खींचे जाएगा, बराबर इस तरफ ऐसा लाइक दिस, बराबर। सो हम बोल सकते हैं कि जो सेम मॉलिक्यूल से उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्ट बाय अदर मॉलिक्यूल्स इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर, रिपेल नहीं होता है, बराबर, डेफिनेटली रिपेल नहीं होता है, अट्रैक्ट बाय अदर मॉलिक्यूल्स लाइंग आउटसाइड द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, नहीं बिल्कुल नहीं, बराबर। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट, वाटर राइजेस टू हाइट 2.2 सेंटीमीटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, द हाइट 2.2
टू विच सेम वाटर राइजेस इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग 1/4 द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने पूछा गया है कि भाई देखो, वाटर पहले यहाँ पे एक बीकर बना देता हूँ और एक और बीकर बना देता हूँ, दो बीकर हमने रखा है, या फिर एक ही बीकर है ना, दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बना दिया एक बीकर जिसके अंदर ये रहा वाटर, अब इसके अंदर हमने सेम कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब है जो कि बनी हुई है ग्लास से, किससे बनी हुई है, ग्लास से, एंड दूसरी कैपिलरी ट्यूब है वो भी हमने रखी है, बट जिसका विच और देखो द हाइट टू विच द सेम वाटर राइजेस इन द कैपिलरी हैविंग, बट ये ग्लास की बनी हुई नहीं है, समझ में आया, पहला वाला जो था उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था वो था ए, दूसरी वाली कैपिलरी है उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a/4 है, समझ में आ रहा है, ये वाटर है, पहले वाले में लेट से जो राइज इन वाटर है वो हो रहा है यहाँ ऊपर तक, यहाँ तक, और वही सेम लेवल पे, वही सेम लेवल पे इस पे भी हो रहा है, बट इस बार उसका जो एरिया है वो क्या है, 1/4 से मल्टीप्लाई करने के बाद। सो वो पूछ रहे हैं भाई तो दोनों का मतलब कि जो हाइट है बराबर, जो सेकेंड वाले में हाइट कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ओके सेकेंड वाले में हाइट, ओके मैंने क्वेश्चन रॉन्ग पढ़ा, अब भी मुझे क्वेश्चन, आई एम सॉरी, वाटर राइजेस टू हाइट 2.2 सेंटीमीटर इन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, ओके द हाइट टू विच सेम वाटर राइजेस इन अनदर कैपिलरी हैविंग, ओके दोनों ग्लास वाले ही है, आई एम सॉरी, ठीक है दोनों ग्लास वाले ही है तो इसको हटा देता हूँ, उसकी जरूरत नहीं है अभी, एक में है एरिया ए और एक में है एरिया a/4, पहले वाले में है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया में ए जो है उसकी वजह से यहाँ पे आ जाएगा h1, हाइट से वो इंक्रीज हो रहा है, जो h1 हमको दिया हुआ है 2.2, दूसरा वाला है उसके अंदर h2 हाइट से वो इंक्रीज हो रहा है और वही h2 हाइट हमें फाइंड करने के लिए कही गई है, हाइट का फॉर्मूला h इज इक्वल टू कितना होता है, 2t cos थीटा अपॉन r रो g होता है, बराबर। अब देखो h जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर है, और जो आर होता है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया का आर होता है, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो मैं बोल सकता हूँ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए, सो अगर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ ए है तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√ of a, सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए h2, तो h2/h1 इज इक्वल टू √ इनवर्स प्रोपोर्शनल है एरिया से, अंडर रूट ऑफ एरिया से, तो यहाँ पे आ जाएगा a1/a2, समझ में आया, अब पहले वाला जो एरिया है वो है ए, दूसरा एरिया है 1/a/4 है, ये ए और ये कैंसिल हो जाएगा, तो √4 हो जाएगा, √4 अपना 2 हो जाएगा, h2/h1 इज इक्वल टू 2 है, सो h2 इज इक्वल टू 2 × h1 कितना दिया हुआ है, 2.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सो आंसर 4.4 सेंटीमीटर, इतना राइज होगा जब उसका एरिया a/4 हो जाएगा, decrease/4 हो जाएगा, समझ में आया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटल स्फीयर ऑफ मास m एंड द डेंसिटी σ1 फॉल्स विद अ टर्मिनल वेलोसिटी थ्रू अ कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ वो गिर रहा है, इसका मतलब पहले जानिए, टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि एंडिंग वेलोसिटी यानी कि अब पार्टिकल क्या कर रहा है, हिल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे एक मेटल स्फीयर है, उस मेटल स्फीयर को मैं बना देता हूँ, लेट्स से ये रहा आपका मेटल स्फीयर, जैसे ही लिक्विड के अंदर वो फॉल करता है, गिरता है, कितनी वेलोसिटी के साथ, टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, बराबर, अब वो जो स्फीयर है उसका मास है m,
उसकी डेंसिटी है सिग्मा वन, एंड जिस लिक्विड में गिर रहा है, सो वेलोसिटी थ्रू अ कंटेनर कंटेनिंग लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज सिग्मा टू। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितने हैं? सिग्मा टू। द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इज, विस्कस फोर्स हमें फाइंड करना है स्फीयर पे कितना लग रहा है वो। तो देखिए अब टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब क्या, टर्मिनल वेलोसिटी यानी कि एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो जरा इसके ऊपर देखते हैं कौन से फोर्स लग रहे हैं। सबसे पहला इसका ग्रेविटी की वजह से एक फोर्स लग रहा होगा विच इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि लगेगा एम इंटू जी। दूसरा बॉयंसिंग फोर्स लग रहा होगा विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, एंड एक विस्कस फोर्स लग रहा होगा विच इज ऑल्सो एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बराबर, अब नेट फोर्स जीरो है, पार्टिकल वहां पे स्टेबल है, टर्मिनल वेलोसिटी बोला है, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो अब क्या मैं बोल सकता हूँ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट को बैलेंस कौन कर, यानी कि एमजी को बैलेंस करने का काम कौन कर रहा है? बॉयंसिंग फोर्स प्लस विस्कस फोर्स। समझ में आया चीज? बॉयंसिंग फोर्स कितना होता है सर? बॉयंसिंग फोर्स होता है रो वी जी। कितना होता है? रो वी जी। अब ये जो रो है वो कौन सा वाला रो की बात हो रही है सर? ये जो रो है वो लिक्विड के रो की, यानी कि रो की जगह पे डेंसिटी, या डेंसिटी यानी सिग्मा लिया हुआ है तो सिग्मा टू ले लेता हूँ। बराबर, बॉयंसिंग फोर्स जिसकी वजह से लग रहा है वो। नाउ प्लस विस्कस फोर्स तो हमको फाइंड करना है, तो एफ वी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? एम जी माइनस सिग्मा टू वी जी। ऑप्शन देखिए मैच तो कर नहीं रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन में भी हमें क्या लाना है, हमें सेकेंड ऑप्शन के अंदर भी हमें जी लाना है। क्या लाना सर? यहाँ पे एम लाना है। कैसे लाएंगे एम? देखो वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम इज आई मीन सॉरी डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम की जगह पे मैं लिख सकता हूँ मास अपॉन डेंसिटी, वही चीज यहाँ पे अप्लाई कर दू। ये जो वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये हो जाएगा एम जी माइनस सिग्मा टू। ये जो वॉल्यूम है किसका वॉल्यूम है? वो स्फीयर का, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होगा वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, स्फीयर के वॉल्यूम की जगह पे स्फीयर का मास यानी कि कैपिटल एम अपॉन स्फीयर का डेंसिटी यानी कि सिग्मा वन इनटू जी। चलिए अभी इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है, यस सर, एम जी बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा वन माइनस सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, वन माइनस सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, दिस इज आवर फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। सो चेक कीजिए, एम जी इन द ब्रैकेट वन माइनस सिग्मा टू माइनस सिग्मा टू बाई सिग्मा वन, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट रिक्वायर्ड आंसर। ओके नेक्स्ट, ओके दैट्स इट। चलिए सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो को देख के फटाफट 2x के स्पीड पे इसको कंप्लीट करिएगा, वेरी इजी चैप्टर आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, बस आपको थोड़े बहुत फोर्सेस के बारे में एनालाइज करने को आना चाहिए, और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन, विस्कस फोर्स, बॉयंसिंग फोर्स, इसके बारे में पता है तो आप आराम से सारी चीजें कंप्लीट कर सकते हो। ओके टाटा बाय बाय, सी यू।